हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग ऐसे सेंटेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसमें एक ही वर्ड दो दो बार प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग सेंटेंस देखते हैं कि हमें आज की वीडियो में कौन सा सेंटेंस सीखने वाले हैं। तो देखिए, पहला सेंटेंस लिखा हुआ ऊपर, वह कब कब पढ़ता है। आप लोग मेरा वीडियो कब कब देखते हैं। राम कब कब टीवी देखता है। तुम कब कब खेलते हो। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें कब कब दो दो बार प्रयोग किया गया है, तो ऐसे सेंटेंस को हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे या इसे बोलने के लिए हमें किस स्ट्रक्चर का प्रयोग करना चाहिए या किस स्ट्रक्चर का प्रयोग होता है, तो आज की वीडियो में हम लोग वही डिटेल से सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए, तभी आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो पाएगा। नहीं तो आप लोग आधा वीडियो देखोगे तो शायद आप लोगों को डाउट बना रहे। तो अगर आप लोग वीडियो पूरा देखते हो तो आपका डाउट एकदम पूरा खत्म हो जाएगा। ऐसे सेंटेंस आप इस वीडियो के बाद से बोलना शुरू कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो आप ऐसे सेंटेंस बोलने के लिए। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये लिखा है कब कब। अगर एक बार कब का प्रयोग होता हुआ होता तो हम लोगों को तो इजीली सेंटेंस बनाने आता है। जैसे वेन, हम लोग तो वेन बना लेते हैं। अगर कोई भी वर्ड एक बार प्रयोग किया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम उसको इंग्लिश बना लेते हैं, हमें आता है बनाना। लेकिन जब वही वर्ड हमें दो दो बार प्रयोग किया गया तो उसे हम कैसे बोलेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं और आज की वीडियो में ऐसे सेंटेंस को हम एकदम आराम से, एकदम आसानी से, एकदम शानदार तरीके से हम लोग सीखेंगे, ताकि आज के बाद ऐसे सेंटेंस हम लोग के हम लोगों में कोई डाउट ही ना बना रहे कि ऐसे सेंटेंस हम लोग कैसे बनाते हैं। तो चलिए हम लोग पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले लिखना पड़ेगा हाउ ऑफन, हाउ ऑफन। फिर हमें लिखना हेल्पिंग वर्ब, हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब। फिर हमें लिखना है सब्जेक्ट। फिर हमें लिखना है वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर लिखना है ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद अदर चीजें रहेगी तो हम लिखेंगे, नहीं तो फिर वैसे ही छोड़ देंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें लिखना है हाउ ऑफन, हाउ ऑफन। फिर उसके बाद हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। फिर उसके बाद जो भी सेंटेंस में बच जाएगा उसे ऑब्जेक्ट के आधार तौर पे हम कुछ भी लिख देंगे तो हमारा स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सारे सेंटेंस को वन बाई वन करके बारी बारी से ट्रांसलेट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा हाउ ऑफन। हाउ ऑफन ने मतलब कब कब। कब कब को अगर एक बार रहता है तो वेन बोलते हैं। कब कब मतलब होता है कितनी बार। तो कब कब का प्रयोग करने के लिए हम लिखे हैं हाउ ऑफन। कब कब का इंग्लिश क्या हो जाएगा, हाउ ऑफन। तो हम लोग चलिए बनाते हैं। देखिए, वह कब कब पढ़ता है। कब कब की इंग्लिश क्या हो जाएगी, हाउ ऑफन। तो हम लिखेंगे सबसे पहले हमें यहाँ लिखना है हाउ ऑफन, हाउ ऑफन। फिर हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये हमारा प्रेजेंट टेंस का है, सॉरी प्रेजेंट इन्फिनिटिव टेंस का है, तो इसमें हम यूज करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब लिखने होते हैं। डज, हाउ ऑफन डज ही। अब पढ़ता है रीड या स्टडी भी लिख सकते हैं आप सुविधा के अनुसार से, कोई भी सेंटेंस का लिख सकते हो। वह कब कब पढ़ता है तो क्या हो जाएगा, हाउ ऑफन डज ही रीड या हाउ ऑफन डज ही स्टडी। देखिए बहुत ही आसान है, कब कब, हाउ ऑफन मतलब कब कब कितनी बार पढ़ता है। तो हाउ ऑफन डज ही रीड या हाउ ऑफन डज ही स्टडी। अगला सेंटेंस है, आप लोग मेरा वीडियो कब कब देखते हो। आप लोग मेरा वीडियो कब कब देखते हैं तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे हाउ ऑफन, हाउ ऑफन। फिर हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब। आप लोग प्लूरल नंबर है तो हमें लिखना पड़ेगा डू। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो जाएगा आप लोग, आप लोगों की इंग्लिश हो जाएगी यू। फिर लिखेंगे क्या, देखना। वर्ब हमें लिखना है तो वर्ब होता है कोई भी चीज़। जब हम लोग देखते हैं तो जैसे नॉर्मली देखते हैं तो हम लोग वहाँ पर सी लगाते हैं, और जो कोई चीज़ हम टीवी में देखते हैं या कोई प्रोग्राम देखते हैं मोबाइल में देखते हैं तो उसे हम वॉच करते हैं, तो यहाँ पे वॉच लिखा गया है वॉच। फिर क्या देखते हैं, माई वीडियो, हम लिखेंगे माई वीडियो। फिर उसके बाद फुल स्टॉप लगा दें। देखें, आप लोग मेरा वीडियो कब कब देखते हैं तो हाउ ऑफन डू यू वॉच माई वीडियो, या वीडियोज भी लगा सकते हैं।
देखिए आप लोग मेरा वीडियो कब कब देखते हैं, हाउ ऑफन डू यू वॉच माई वीडियोज या हाउ ऑफन डू यू वॉच माई वीडियो, दोनों में वीडियोज लगा सकते हैं, वीडियो भी लगा सकते हैं, आप उसके हिसाब से लगा लीजिएगा। तो कब कब की इंग्लिश हाउ ऑफन हो जाएगी, तो आप लोग मेरा वीडियो कब कब देखते हैं तो बनेगा हाउ ऑफन डू यू वॉच माई वीडियोज, हाउ ऑफन डू यू वॉच माई वीडियोज। अगला सेंटेंस है, राम कब कब टीवी देखता है, राम कब कब टीवी देखता है मतलब कितनी बार देखता है, तो क्या बनेगा हाउ ऑफन, मतलब राम कितनी बार टीवी देखता है, तो क्या बन जाएगा हाउ ऑफन, हाउ ऑफन। अब यहाँ पे लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डज, क्योंकि यहाँ पे राम है, किसी का नाम है, नाम सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन का होता है, तो हम लिखेंगे डज, फिर लिखेंगे राम, फिर हमें लिखना है यहाँ पे स्ट्रक्चर के हिसाब से वर्ब लिखना है। यहाँ पे देखिए टीवी देखने की बात हो रही है, तो भी हम क्या लगाएंगे वॉच, हम टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें न्यूज़ देखेंगे, तो उसके लिए हमें वॉच का यूज करते हैं, तो वॉच, फिर हमें लिखना है क्या लिखता है टीवी, तो हम टीवी लिख सकते हैं। देखिए राम कब कब टीवी देखता है, हाउ ऑफन डज राम वॉच टीवी, हाउ ऑफन डज राम वॉच टीवी। अगला सेंटेंस है, या इन पर तो लास्ट वाला सेंटेंस है, तुम कब कब खेलते हो, तुम कब कब खेलते हो, तो क्या बनेगा हाउ ऑफन, कब कब की इंग्लिश हाउ ऑफन, हाउ ऑफन। यहाँ पे तुम है तो प्लूरल नंबर है, तो इसलिए हम डू यूज करेंगे, डू यू प्ले। देखिए हमारा हो गया, तुम कब कब खेलते हो, हाउ ऑफन डू यू प्ले, हाउ ऑफन डू यू प्ले। तो सारे वीडियो बहुत ही शानदार तरीके से हम बना, सारे वीडियो को हम लोग ट्रांसलेट कर चुके हैं। अगर फिर भी आप लोगों को कहीं भी कंफ्यूजन कोई है तो आप लोग कमेंट करिए और मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा। और जिस किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है। अगर ऐसे वीडियो को आप लोग और भी चाहते हो कि किसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, मैं कुछ दिनों में उस टॉपिक पर वीडियो बना दूँगा, जिससे आप लोगों का डाउट वो क्लियर हो जाएगा।